नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नवोदय विद्यालय में जॉब पाने का सुनहरा अवसर है, क्योंकि नवोदय विद्यालय में 1300 से अधिक पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। संपूर्ण जानकारी के लिए आप वीडियो में तक बने रहे। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं पोस्ट कौन कौन से पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं, पहला आप देख सकते हैं फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी पोस्ट कोड 1 है, ठीक है। तो देखिए टोटल कितने वैकेंसी है, तो 121 वैकेंसी है किसका, फीमेल स्टाफ नर्स का। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। उसके बाद अगला देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी, ठीक है, तो इसके लिए 5 पोस्ट है। अगला देखिए ऑडिट असिस्टेंट के लिए कुल 12 पदों के लिए वैकेंसी है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के कुल 4 पदों के लिए वैकेंसी है। लीगल असिस्टेंट के लिए देखिए 1 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर के 23 पोस्ट है। उसके देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट है। केटरिंग सुपरवाइज़र के लिए देखिए 78 पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरेंट असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं कुल 21 पदों के लिए नोटिफिकेशन है। उसके देखिए जूनियर सेक्रेटरेंट असिस्टेंट, ठीक है, ग्रुप सी के लिए, तो ग्रुप सी के लिए देखिए कुल 360 पोस्ट है। इनके लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यताएं लगेगा मैं आपको पूरी जानकारी नीचे देने वाला हूं। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए देखिए 128 पोस्ट है। उसका देखिए लेब अटेंडेंट के कुल 161 पद है। साथ ही साथ मेस हेल्पर के लिए 442 पोस्ट है। देखिए मेस हेल्पर के लिए 442 पोस्ट है। इनकी सैलरी कितने रहेगी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए देखिए तो कुल 19 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है, ठीक है। आप कैटेगरी वाइज देख पाए हैं नोटिफिकेशन को, इस प्रकार से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब देखिए इसके लिए योग्यता क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए देखिए, इसके लिए पे स्केल की बात की जाए तो लेवल 7 बेसिक सैलरी 44,900 से 1,42,400 रहेगा। इस प्रकार से अप टू 35 ईयर, अपर एज लिमिट 45 ईयर दिया गया है। उसके देखिए इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो बीएससी नर्सिंग फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए, रेगुलर कोर्स इन बीएससी होना चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ठीक है। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग है तो भी चलेगा, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो आपको ये दो, ठीक है, और फॉलो कर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग रजिस्टर्ड एस नर्स, ठीक है, नर्स का रजिस्ट्रेशन आपके होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल से, और 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग 1 एबो, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके देखिए वर्किंग नॉलेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होना चाहिए। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आप देख सकते हैं लेवल 6 का सैलरी रहेगा, 35,400 रहेगा। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस मैटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके देखिए ऑडिट असिस्टेंट के लिए, ऑडिट असिस्टेंट के लिए लेवल 6 का सैलरी रहेगा और बी कॉम फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड, मतलब मान्यता प्राप्त संस्था से बी कॉम होना चाहिए। 3 ईयर एक्सपीरियंस अकाउंटेंट वर्क इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, मतलब प्राइवेट में भी सेमी गवर्नमेंट ऑटोनॉमस में आप जो है काम किए हो। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए देखिए मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हिंदी एंड इंग्लिश इज कंपल्सरी और रिलेटिव सब्जेक्ट एस द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, ठीक है। तो मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी विथ इंग्लिश के साथ, ठीक है। उसके देखिए मान्यता प्राप्त मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके देखिए लीगल असिस्टेंट के लिए, तो लीगल असिस्टेंट की जो सैलरी है इसका भी सैलरी लेवल 6 रहेगा और डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेटर और वर्किंग नॉलेज हिंदी और इंग्लिश। स्टेनोग्राफर लेवल 4 का सैलरी रहेगा, 25,500 है। 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉम, ठीक है, तो इसके लिए स्किल टेस्ट होगा, उसको आप देख सकते हैं ये रहेगा इसका स्किल टेस्ट। उसका देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बीएससी, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या फिर बीसीए होना चाहिए,
या फिर आईटी होना चाहिए, बीएससी आईटी में होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से बीए बीटेक वाले भी कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। केटरिंग सुपरवाइज़र के लिए देखिए लेवल 4 का सैलरी रहेगा, बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट और ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन केटरिंग विथ अ मिनिमम 10 ईयर सर्विस होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट के लिए देखिए लेवल 2 का सैलरी रहेगा, इसके लिए 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्था से, ठीक है। 10+2 लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE स्टेट बोर्ड, ठीक है, किसी से भी होना चाहिए। उसके बाद देखिए कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, ठीक है, इसके लिए भी देखिए सेम है ये भी, ठीक है। इसका जो JNV कैडर और इसका देखिए जो ये है, ठीक है, HQRO जो कैडर के लिए है, ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन योग्यता सब सेम है, ठीक है। उसके देखिए जो इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए, तो इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए 10वीं पास होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन वायरमैन का, एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलमेशन वायरिंग प्लम्बिंग का होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीएंस से होना चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए देखिए लैब अटेंडेंट के लिए क्लास 10th पास होना चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा इन लैब में होना चाहिए, ठीक है। लेवल 1 का सैलरी है 18,000, इसका बेसिक सैलरी रहेगा, एज लिमिट भी साथ में आप देखते जाएंगे। मेस हेल्पर के लिए देखिए मैट्रिकुलेशन पास, मतलब 10वीं पास होना चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मल्टीटास्किंग के लिए 10वीं केवल, ठीक है, क्वालिफिकेशन 10वीं होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। छूट की बात की जाए, आप जो एज लिमिट यहाँ दिया गया है, जैसे सभी पोस्ट में इस प्रकार से यहाँ एज लिमिट दिया गया है, उसमें छूट की बात की जाए तो SC ST को 5 ईयर का छूट, OBC को 3 ईयर का छूट दिया जाता है फॉर द पोस्ट ऑफ मेस हेल्पर। इस प्रकार से आप देख सकते हैं किन के लिए कितना छूट है। फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी 5 ईयर एम्प्लॉई जो NVS में इंक्लूड है उनको छूट दिया जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो SC ST जो डिसेबल है उनके लिए छूट की बात की जाए तो 15 ईयर, 13 ईयर और 10 ईयर का छूट दिया जाता है। फॉर्म भरने का डेट दोस्तों अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे ही अपडेट आएगा ऑनलाइन आवेदन स्टार्टिंग का, अभी केवल कल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन बहुत जल्द इसके लिए फॉर्म भरने का डेट भी आ जाएगा। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दूंगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही अपडेट आए मैं चैनल वीडियो के माध्यम से जानकारी दूं तो आप जो है तुरंत देख पाए। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस देयर परफॉर्मेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, इसी के आधार पर आपका जो है चयन होगा। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं किसके लिए क्या क्या होगा। तो इन सभी पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं इनके लिए केवल एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों होते हैं, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए देखिए, इनके लिए देखिए केवल बोला गया पोस्ट विल बी डन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस कैंडिडेट कम्पिटेटिव एग्जाम ओनली। तो इन सभी पोस्ट के लिए जो मैं आपको ब्रैकेट में रख के दिखाया हूँ, इन सभी पोस्ट के लिए केवल जो है क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और उसके जो और पोस्ट जो बचे हुए उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन सभी के लिए स्किल टेस्ट भी होगा, ठीक है। उसके देखिए एग्ज़ाम की सीटी के लिए आप देख सकते हैं इन सभी जगह पर एग्ज़ाम की सीटी रहेगा, यहाँ आप जो है एग्ज़ाम दे सकेंगे। इस प्रकार से कहाँ कहाँ रहेगा आप देख सकते हैं, हर एक जगह के लिए अलग अलग, हर एक राज्य में अलग अलग जगह पर जो है इसका सेंटर रहेगा, ठीक है, सभी राज्य के लिए सेंटर रहेगा। देख लीजिए दोस्तों इनके लिए सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो पूछे कैसे जाएंगे। स्टाफ नर्स के लिए देखिए क्या क्या, 2.5 घंटे का समय रहेगा, जिसमें देखिए रीजनिंग पूछे जाएगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का रहेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सब्जेक्ट नॉलेज रहेगा, तो इस प्रकार से कुल 120 नंबर का होगा। इसी प्रकार असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आप देख सकते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 120 नंबर का रहेगा, रीजनिंग क्वान्टिटी एप्टीट्यूड लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश का रहेगा, बेसिक नॉलेज रहेगा, ऑफिस मैनुअल से रिलेटेड रहेगा।
ठीक है। तो इस प्रकार हर एक पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं, सभी का एग्ज़ाम का टाइम सेम रहेगा, ठीक है। नंबर अलग अलग हो सकते हैं, किसी का 120, किसी का 130, किसी का 100 नंबर। इस प्रकार से देखिए, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 100 नंबर का रहेगा, फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 150 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप इसके लिए देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्राफर के लिए 100 नंबर का रहेगा। फॉर द कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 130 नंबर का रहेगा। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ कैटरिंग सुपरवाइज़र के लिए देखिए, तो इसके लिए 120 नंबर का रहेगा, ठीक है। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 130 नंबर का रहेगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए, जो फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरियल JNV क्रेड जो कैडर है, उसके लिए भी 130 नंबर का रहेगा। फॉर द इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए भी 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और ट्रेड स्टेज टू ट्रेड टेस्ट रहेगा फॉर द पोस्ट ऑफ लेबर अटेंडेंट, ठीक है। तो ये जो है स्टेज टू रहेगा, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ लेबर अटेंडेंट, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ मेस हेल्पर। ये स्टेज ट्रेड टेस्ट, ठीक है, नीचे लिखा है, मतलब इनके लिए होगा, किसके लिए, कम पंबर के लिए, ठीक है। लेबर अटेंडेंट का सिलेबस ये रहा, मेस हेल्पर के लिए सिलेबस ये रहा, और मेस हेल्पर में स्किल टेस्ट अभी होगा। फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 100 नंबर का ये प्रोसेस रहेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आधार पर जो है आपका चयन होगा। अप्लाई कैसे करना है, तो नोएडा विद्यालय की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, देख सकते हैं कौन सा पोस्ट के लिए कितने कितने जो है फीस पे करना है। कैटेगरी वाइज 1500 रुपये जो है फीस पे करना रहेगा। तो यही अपडेट आप लोगों तक शेयर करना था। जैसे ही न्यू अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग, मैं आपको चैनल के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। यदि आप चैनल में नए हैं और इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। और PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, PDF सीधे टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़।